हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विवर्तन नाम के टॉपिक पे। विवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्रेक्शन, ये आपके वेव ऑप्टिक्स अर्थात तरंग प्रकाशिकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वीडियो के मिडिल में आएगा, और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप इस टॉपिक को फील कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक, अगर इसको याद करना चाहो तो बहुत आसान है, मतलब रट्टा मारना चाहो तो विवर्तन बहुत आसान है, बट अगर समझना चाहो तो थोड़ा कंसेप्चुअल है ना। तो जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, इस वीडियो में भी आपको पूरा कंसेप्ट मक्खन करेंगे। आपको केवल एक ही काम करना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में खुश होकर के इस वीडियो को पूरा देखना है। शुरू करते हैं, समझिए। दोस्तों, हम एक चीज जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक बल्ब रखा और इस तरह से एक स्लिट रखी आपने, एक अवरोध रखा आपने, और यहां आपने रख दी एक स्क्रीन पर्दा। स्क्रीन का सिंपल मतलब होता है पर्दा। अब होना क्या चाहिए, आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो सीधी रेखा में गमन करता है। अगर आपका प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो यहां से आने वाला प्रकाश ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में, और इतने हिस्से में रोशनी होनी चाहिए, बाकी ये पूरा हिस्सा किल्विश, ये पूरा हिस्सा किल्विश, अर्थात ये पूरा हिस्सा डार्क, ये पूरा हिस्सा डार्क, केवल इतना सा ब्राइट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। आप लोग प्रैक्टिकली इस बात को जानते हो कि यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है, प्रेक्षण क्या मिलता है, कि प्रकाश इस तरह से फैल जाता है। या आप सभी लोगों ने किया होगा अपने घरों में, मान लो कि एक कमरे के अंदर बल्ब जल रहा है, आपने गेट को बंद कर दिया, तो गेट को बंद करने के बाद गेट को अगर हल्का सा खोलोगे और दूसरे कमरे में अंधेरा है, तो गेट के अंदर से आने वाला प्रकाश इस तरह से फैल जाता है। बहुत छोटे से छेद में से आने वाला प्रकाश, आप घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, झरोके में से आने वाला प्रकाश, छोटे से होल में से आने वाला प्रकाश इस तरह से फैल जाता है। तो प्रकाश के अवरोध, यहां क्या है, यहां अवरोध है ना, तो अवरोध के किनारों से इस तरह से फैलने, अवरोध के किनारों से इस तरह से फैलने की परिघटना को अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन को सिंपल भाषा में कहा जाता है प्रकाश के मुड़ने की घटना, प्रकाश का बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट। थोड़ा इंग्लिश लिख रहा हूं, बुरा मत मानना, क्योंकि इंग्लिश में आसान है बोलना, बेंडिंग, प्रकाश के मुड़ने की घटना को अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, सिंपल भाषा में, एकदम स्वीट लैंग्वेज में। सबने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, आसानी से आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। कुछ एक एग्जांपल मैं स्क्रीन पे आपके लिए डाले भी हूँ, जिसके अंदर से प्रकाश जो है वो आ रहा है छोटे छिद्र से और इस तरह से फैल रहा है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं। आया मजा, टॉपिक समझ में आ गया। चलो अब करते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन। अब आपके सामने बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, ध्यान समझना, बट अगर आपको मोटी मोटी भाषा में कोई बोले कि विवर्तन क्या है, तो आप एक ही बात बोलना उसको कि भाई सुन, प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं, प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं, सिंपल। आगे समझो, एकल स्लिट से विवर्तन, अब इसका थोड़ा डेरिवेशन करेंगे, एकल स्लिट से विवर्तन, टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है, अभी देखना। और इस टॉपिक को बेहतर समझना है तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से साथ साथ कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। चलो ये आपकी एकल स्लिट को, ये आपकी एकल स्लिट को हल्का सा, ये मान लो मैंने जूम कर दिया, इसी को जूम कर दिया, और यहां आपका बल्ब लगा हुआ है, यहां से प्रकाश आएगा। अब यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या था, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो छोटे छोटे छेद थे, और प्रकाश स्रोतों की गिनती करें तो दो प्रकाश स्रोत थे, कौन थे, S1 और S2। यहां पर ये जो छिद्र है ये बहुत बड़ा है,
मान लो ये ए है इसकी चौड़ाई, और यहां से जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश इस तरह से काफी सारे हिस्सों में जाएगा ऐसे। तो यहां प्रकाश की गिनती करें तो एक प्रकाश स्रोत S1, दूसरा प्रकाश स्रोत S2, बट यहां अगर गिनती करें तो बहुत सारे प्रकाश स्रोत हैं। मतलब अगर यहां अपन काउंटिंग लिखना चाहें कि इन दो बिंदुओं के बीच में या फिर यहां से लेकर यहां तक जो प्रकाश स्रोतों की गिनती है, तो यहां पे प्रकाश स्रोत जो है आप समझने के लिए अनंत बोल सकते हो। तो अनंत छोटे 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 स्रोत मान सकते हो। यहां पे कितने हैं, यहां पे छोटे छोटे ही दो हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है आपके यंग के द्विस्रुत प्रयोग में और विवर्तन में। डेरिवेशन करते वक्त ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अभी जब मैं आगे कंसेप्ट समझाऊंगा ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे दो स्रोत थे और यहां पे जब प्रकाश ऐसे जाएगा तो यहां मान सकते हैं कि अनंत स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश की भांति, अनंत बिंदु स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश की भांति इसका प्रकाश कार्य करेगा। कूल, समझ में आया? आगे देखो। अब यहां पे जो प्रकाश किरण है या प्रकाश स्रोत अपन ने माना हुआ है और जो यहां पर है, इन दोनों के बीच में पथ का अंतर निकालते हैं। मान लो इस पॉइंट पी के ऊपर प्रकाश जा रहा है, यहां से जा रहा है इस पॉइंट पी पर, यहां से जा रहा है इस पॉइंट पी पर, तो पथ का अंतर, ये वाली प्रकाश किरण ये वाले प्रकाश किरण, इनके बीच में पथ का अंतर निकालना है। पथ का अंतर कैसे निकालेंगे, एक सिंपल लॉजिक चलेगा। यहां पे ध्यान से देखना, जैसे एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही हो, दूसरी ऐसे आ रही हो, समझिएगा आपको अंतर चाहिए तो इसके ऊपर से इस पर लंब डाल दो। अगर ये एक ही बिंदु पे मिल रही हैं तो आप यहां से लंब डाल दो। लंब डालने के बाद ये जो बचा हुआ है ये इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। किसका अंतर है, पथ का अंतर है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं क्या करने वाला हूं, यहां से हम इसके ऊपर क्या डाल देंगे, यहां से इसके ऊपर लंब डाल देंगे। लंब डालते ही अब ये जो चीज है ये आपका है पथांतर डेल्टा एक्स, और ये क्या है, ये है 90 डिग्री। इस कोण को आप मान लो ये थीटा है। नामकरण संस्कार करना चाहो तो कर दो, इसको एबीसी बोल लो। तो आपके समकोण त्रिभुज एसीबी में अपन लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, ये बीसी। कर्ण कौन है, कर्ण है ये एबी। तो बीसी कितना आ रहा है, बीसी बराबर आ रहा है एबी साइन थीटा। बीसी क्या है मेरे भाइयों, बीसी क्या है, पथांतर। तो पथांतर बराबर एबी क्या है, ए से लेके बी तक है स्मॉल ए, पथांतर बराबर ए साइन थीटा। आ गया पथांतर। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पथांतर की कुछ कंडीशंस होती हैं। समझना, पथांतर अगर एन लेमड़ा के बराबर होता है तो वो आपको बताता है संपोषी की कंडीशन, शक्तिमान की कंडीशन, मतलब ब्राइट की कंडीशन। और अगर पथांतर 2n-1 λ/2 होता है तो हमको बताता है विनाशी की कंडीशन, बोले तो तमराज किल्विश की, मतलब डार्क की कंडीशन। अगर इसको लिखें तो कंडीशन कैसे बैठती है, एन लेमड़ा में एन 0 1 2 हो सकता है, मतलब लेमड़ा 2 रखा तो 2 लेमड़ा, 3 रखा तो 3 लेमड़ा। यहां रखें, यहां शुरुआत होती है 1 से, तो 1 से रखेंगे तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 वगैरह वगैरह। तो अगर ये सब पथांतर चलते हैं तो विनाशी होता है, और ये सब पथांतर चलते हैं संपोषी होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, YDSE में। ओके, तो यहां पे आपका यहां से जाने वाली प्रकाश तरंग और यहां से जाने वाली प्रकाश तरंग के बीच पथांतर कितना आया है, ए साइन थीटा। तो इसी पथांतर को, ए साइन थीटा को अगर मैं बराबर कर दूं एन लेमड़ा के, ऐसा तो किया था ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, सेम यहां करना है। इसी पथांतर को मैं बराबर कर दूं 2n
2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के, तो अगर आप n लैम्डा के बराबर करते हैं तो क्या आता है, n लैम्डा के बराबर करते हैं तो विनाशी आता है, और 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर करते हैं तो संपोषी आता है। मतलब यहां से आपको मिलता है ब्राइट, बी आर आई जी एस टी, ब्राइट शक्तिमान, और यहां आपको मिलता है डार्क, बोले तो तमराज किल्वेश। अब आपके दिमाग में जो बच्चे फोकस करके देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि आशीष सर ने जल्दी जल्दी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, पथांतर एन लैम्ब्डा होता है तो संपोषी होता है, भाई साहब ने यहाँ पे विनाशी लिख दिया, और जहां पे 2n माइनस 1 लैम्ब्डा बाय 2 विनाशी होता है वहां भाई साहब ने संपोषी लिख दिया। तो फॉर योर का इन्फॉर्मेशन सर जी, मैंने कोई गलती नहीं करी है, विवर्तन में उल्टा होता है, विवर्तन में जो कंडीशन वहां संपोषी की थी वो यहां विनाशी की होती है, और जो कंडीशन वहां विनाशी की थी वो यहां संपोषी की होती है। अब मन में एक ही सवाल आता है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा कंसेप्ट से, और अब इसके जस्ट बाद में मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उससे पहले यहां तक की कहानी एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि फिर आपके कान खड़े होने वाले, कंसंट्रेशन आपको पूरा लगाना पड़ेगा, एकदम फोकस होके देखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि ये डिफरेंस क्या है। प्योर फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी, है ना, उससे पहले एक बार इतनी कहानी वापस समझ लेते हैं, ताकि अगर कमी पेशी रह गई हो तो वो दूर हो जाए, ताकि इसको समझने में आप सारा का सारा फोकस लगा सको। ठीक है जी, समझिए, फोटो खींचनी है, पहले फोटो खींच लो, और मैं थोड़ा फ्रेम एडजस्ट कर देता हूँ। वेरी नाइस। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश जब एक छोटे से अवरोध में जाता है तो अवरोध के किनारों पे ऐसे मुड़ावा प्रतीत होता है, ऐसे मुड़ जाता है प्रकाश, है ना। हमें लगता था कि अगर इस तरह से कोई भी अवरोध है तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करता होता तो इस तरह से सीधा प्रकाश जाता और इतने हिस्से में रोशनी होती, बट प्रकाश ऐसे घूम करके पूरे हिस्से में रोशनी करता है, मतलब प्रकाश मुड़ता हुआ दिखता है। अभी समझेंगे मुड़ता है नहीं मुड़ता, बट प्रकाश मुड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश के इस तरह से मुड़ने की घटना को, प्रकाश के इस तरह से मुड़ने की घटना को साइंस में क्या नाम दिया गया, विवर्तन का नाम दिया गया, डिफ्रेक्शन का नाम दिया गया। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है? पॉइंट नंबर टू यह है कि अब अगर अपन एकल स्लिट से विवर्तन की घटना को समझें, तो यहां अगर बल्ब जल रहा है, ध्यान समझिएगा, अगर यहां पे बल्ब जल रहा है तो बल्ब से आने वाला जो प्रकाश है जब वो इस एकल स्लिट में से गुजरेगा तो ये पूरे हिस्से में से गुजरने वाली प्रकाश तरंगे हर एक एक बिंदु से अलग अलग आती हुई प्रतीत हो सकती हैं, आप मान सकते हो। तो यहाँ पे अलग 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 बिंदु स्रोत हो जाएंगे, इसलिए ए बिंदु से बी बिंदु तक प्रकाश स्रोत कितने हैं? अनंत हैं। ए बिंदु से बी बिंदु तक प्रकाश स्रोत अनंत हैं। ये बात तो माननी ही पड़ेगी, ये बात समझना जरूरी है कि यहां पर, यहां से गुजरने वाला, मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, यहां से गुजरने वाला प्रकाश तरंगे इस तरह से जा रही है कि हर बिंदु को आप एक अलग प्रकाश स्रोत की तरह मान सकते हो, यहाँ पे अनंत बिंदु स्रोत हैं। जबकि इधर जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें केवल कितने प्रकाश स्रोत माने गए थे, S1 और S2, ये एकदम बिंदु था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है जिसके कारण बहुत सारे छोटे 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 अनंत स्रोत आपको मानने हैं, समझने हैं। ओके, तो हमने यहां से पकड़ा, यहां से जाने वाली तरंग यहां पहुंची, यहां से जाने वाली यहां पहुंची, इसके बीच में पथांतर निकालना था। पथांतर निकालने का एक बहुत देसी तरीका होता है कि अगर एक किरण ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, तो आपको क्या करना है, अगर ये कोण बहुत छोटा है तो यहां से लंब डाल दीजिए, लंब डालते ही ये जो हिस्सा है ये बताएगा पथांतर को। तो यहां से मैंने लंब डाल दिया, ये हिस्सा हो गया पथांतर। अब यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया ACB, ट्रायंगल ले लिया ACB, उसमें लिखा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, BC बटा में AB, और यहां से पथांतर BC कितना आ गया, AB साइन थीटा, AB को A माना हुआ है तो A साइन थीटा आ गया। अब दिमाग की बत्ती जलेगी कब, जब आप समझोगे डिफरेंस क्या है। वहां पर यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो पथांतर एन लैम्ब्डा संपोषी की कंडीशन थी वो यहाँ पे विनाशी की है, और जो पथांतर 2n-1 लैम्ब्डा बाय 2 विनाशी की थी वो यहाँ संपोषी की है। तो मैंने कहा था ना रटना आसान है, जो बट्टा रटना चाहे, सिंपल डेरिवेशन है, ए साइन थीटा आसानी से आ गया। अब उसको रट लेना है कि जो कंडीशन यहाँ थी उसकी उल्टी यहाँ पर है, तो जहां यहाँ संपोषी लिखना था
वहां विनाशी लिख देना है, और जहां यहां विनाशी लिखा हुआ है वहां पे आपको संपोषी लिख देना है। तो रटना बहुत आसान है, बट इस बात को समझना कि ये दोनों उल्टे क्यों हुए, अब सारा फोकस वहीं जाना चाहिए। जो बच्चे समझने का प्रयास करते हैं, कंसेप्ट का प्रयास करते हैं, उनके लिए वीडियो अब सही से शुरू होता है। फटाफट फोटो खींचो, मैं लॉजिक समझाऊंगा, मजा आ जाएगा कसम से। फोटो खींचो। चलिए दोस्तों, अब अपन उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि संपोषी की कंडीशन यहां विनाशी की क्यों बन गई और विनाशी की कंडीशन यहां संपोषी क्यों बन गई। बहुत ध्यान से फोकस करके सुनिएगा। यहां पर ये जो कंडीशन है ये लगी हुई है दो प्रकाश स्रोत के बीच में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कंडीशन यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज हुई थी, क्योंकि वहां पर दो प्रकाश स्रोत थे S1 और S2। ये कंडीशन जब निकाली गई थी तो दो तरंगे थी, आपको याद होगा, Y1 बराबर A1 sin omega t और Y2 बराबर A2 sin omega t plus phi। तो दो प्रकाश स्रोतों के लिए, दो प्रकाश तरंग ऐसे बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में, उनके लिए ये कंडीशन लगती है। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये जो आपकी स्लिट है भाइयों, समझना, ये जो आपकी स्लिट है उसमें आप ये कंडीशन किसके ऊपर लगा रहे हो, पहले वाली प्रकाश किरण और आखिरी वाली प्रकाश किरण या तरंग भी बोल लो, पहले वाली प्रकाश तरंग, आखिरी वाली प्रकाश तरंग, क्या यहां पे दो ही प्रकाश तरंगे हैं, ये और ये? आंसर है नहीं सर जी, यहां पे यहां से लेकर के यहां तक अनंत प्रकाश स्रोत हैं, यहां से लेकर के यहां तक यहां से लेकर के यहां तक अनंत प्रकाश स्रोत हैं। अनंत तो बहुत बड़ा नंबर होता है, मैं बता नहीं सकता, बट मान लेते हैं 100 है, माना 100 है। वैसे वास्तव में कितनी होती हैं प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे यहां से लेकर यहां तक अनंत होती हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने 100 मान लिया। तो जो मैं कंडीशन लगा रहा हूं ये वाली या ये वाली, वो किसके ऊपर लगा रहा हूं, पहली वाली तरंग के ऊपर, क्योंकि यहां से निकलने वाली तरंग फर्स्ट होगी, और अगर मैंने माना है कि 100 तरंगे हैं तो आखिरी यहां से जाएगी वो कौन सी होगी, 100 होगी। इतना समझ में आया, पहले वाली प्रकाश तरंग और 100 वाली प्रकाश तरंग के ऊपर, क्योंकि यहां से जाने वाली फर्स्ट है और यहां से जाने वाली 100 है, अगर आपने 100 मानी है तो जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, जो हम कंडीशन लगा रहे हैं किसके ऊपर लगा रहे हैं, ये जो पथांतर है a साइन थीटा वो किसके बीच में है, वो पहले वाली और 100 वाली के बीच में, वो पहले वाली और 100 वाली के बीच में। तो लगाना शुरू करते हैं, अपन मान लेते हैं कि हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इनके मध्य जो पथांतर है वो कितना है, लैम्ब्डा है। तो पहले वाली और 100 वाली के बीच में हमने ये मान लिया कि पथांतर कितना है, लैम्ब्डा है। समझना, पहली वाली और 100 वाली के बीच में हमने ये मान लिया कि पथांतर लैम्ब्डा है। अब अगर फर्स्ट और 100 के बीच में लैम्ब्डा आपने बोला है तो फर्स्ट और 51 के बीच में पथांतर कितना होगा, अगर फर्स्ट और 100 के बीच में लैम्ब्डा है तो फर्स्ट और 51 के बीच में कितना होगा, लैम्ब्डा बाय 2 होगा। ऐसे ही सेकंड और 52 के बीच में कितना होगा, लैम्ब्डा बाय 2। ऐसे ही थर्ड और 53 के बीच में कितना होगा, लैम्ब्डा बाय 2। ऐसे ही फोर्थ और 54 के बीच में कितना होगा, लैम्ब्डा बाय 2। मतलब अगर फर्स्ट और 100 के बीच में पथांतर लैम्ब्डा है तो 1 से लेकर के 50 तक, दो भाग कर दो इसके, 1 से लेकर के 50 तक ऊपर वाला हिस्सा और 51 से लेकर के 100 वाला नीचे वाला हिस्सा, इनके बीच में पथांतर कितना होगा, लैम्ब्डा बाय 2। और लैम्ब्डा बाय 2 एक्चुअल में किसकी कंडीशन है, विनाशी की है, इसलिए अपन जब संपोषी की कंडीशन लगा रहे हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, विनाशी निकल के आ रहा है। अब मुझे पता है आपके समझ में नहीं आया है, क्योंकि एक बार में नहीं आता है, फिर समझाता हूं, वापस सुनो, इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर यह मान के चल रहे हो कि दो प्रकाश किरण है, अनंत मान के चल रहे हो, ऑब्वियस बात है अनंत मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक काफी सारी प्रकाश किरणें हैं। ये जो कंडीशंस लगती है, या बहुत सारी किरणों पे एक साथ लगती है या केवल दो पे लगती है, आंसर है सर ये केवल दो के ऊपर लगती है। तो मैंने ये मान लिया कि यहां से यहां तक अनंत तो नहीं पर कम से कम 100 तरंगे हैं, तो जो कंडीशन मैं लगा रहा हूं वो पहले वाले और 100 वाले के बीच में लग रही है, फर्स्ट और लास्ट, इनके बीच में मैंने पथांतर की कंडीशन मान लो लगाई लैम्ब्डा, ये वाली कंडीशन लगाई। तो अगर पहली किरण और 100वीं किरण के बीच में पथांतर लैम्ब्डा है तो ऑब्वियस सी बात है पहली
और 51 के बीच में लैम्डा बाय 2 होगा। ऐसे ही सेकंड नंबर और 52 के बीच में पथांतर लैम्डा बाय 2 होगा। ऐसे ही थर्ड और 53 के बीच में पथांतर लैम्डा बाय 2 होगा। ऐसे ही फोर्थ और 54 के बीच में पथांतर लैम्डा बाय 2 होगा। ऐसे ही ऊपर की आधी प्रकाश तरंगे और नीचे की आधी प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर कितना मिलेगा आपको, लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 एक्चुअल में किसकी कंडीशन होती है, लैम्डा बाय 2 एक्चुअल में कंडीशन होती है विनाशी की। इसीलिए अगर मैं लैम्डा लगा रहा हूं तो यहां पे अंदर ही अंदर कंडीशन किसकी लग रही है, विनाशी की लग रही है, और वो एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसे ही अभी एक और एग्जांपल समझो, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक और एग्जांपल समझो, मान लो मैंने पथांतर की अगली कंडीशन लगाई 2 लैम्डा यहां से लेकर यहां के बीच में। तो यहां से यहां के बीच में मान लो 2 लैम्डा है, यहां से यहां के बीच में मैंने मान लिया 2 लैम्डा है, लैम्डा का अगला वाला। तो आधे आधों के बीच में कितना होगा, आधे आधों के बीच में होगा लैम्डा। भाई इन दोनों के बीच में 2 लैम्डा है, तो इसके और इसके बीच में कितना होगा, लैम्डा लैम्डा। ऐसे ही अब इसके मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं कि पहले और 51 के बीच में अब कितना होगा, लैम्डा होगा। ऐसे ही इसका और आधा करो, और आधा करो, और आधा करो, चार हिस्सों में बांट दो इसको, समझो चार हिस्सों में बांट दिया। तो अगर इन दोनों के बीच में 2 लैम्डा है तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, इनके और इनके बीच में लैम्डा, इनके और इनके बीच में कितना होगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। मतलब आपके 2 लैम्डा जो है वो चार हिस्सों में बढ़ जाएंगे, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। मतलब 25% इसको काट देंगे, ये इसको काट देंगे, और नेट रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 0। जैसे यहां पे ये आधे इसको काट रहे थे और नेट रिजल्ट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। मतलब आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझिए, इंपॉर्टेंट है, आप समझिए हल्का सा कि अगर फर्स्ट और 100, पहली और 100 के बीच में अगर मैं कंडीशन लगा रहा हूं लैम्डा की, तो फर्स्ट और 51 के बीच में लग रही है लैम्डा बाय 2, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में लैम्डा है तो फर्स्ट और 51 के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाय 2। सेकंड और 52 के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाय 2। थर्ड और 53 के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाय 2। मतलब अगर पहली और लास्ट के बीच में लैम्डा है तो ऊपर के आधे और नीचे के आधे के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, और ऊपर का लैम्डा बाय 2 नीचे के लैम्डा बाय 2 को काट देगा, क्योंकि ये कंडीशन किसकी होती है, विनाशी की होती है। तो मैं एक्चुअल में कंडीशन लगा रहा हूं संपोषी की फर्स्ट और लास्ट पे, बट ऊपर के आधे और नीचे के आधे मिलके उसको कंडीशन बना दे रहे हैं विनाशी की। बिल्कुल वैसे ही मेरे भाइयों, अगर आप 2 लैम्डा लगाओगे तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में 2 लैम्डा, तो ऊपर के आधे नीचे के आधे के बीच में होगा लैम्डा, फिर इस आधे में आधे और आधे के बीच में होगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। तो ऊपर का आधा ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, नीचे के आधा ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो यहां से यहां के बीच में हमको कुछ नहीं मिलेगा, अड़मड़ा कुछ नहीं। मतलब यहां से लेकर के यहां तक साफ हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक अगर 2 लैम्डा है तो ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा बाय 2 हो गया, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 को काट देता है, तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, खेल खत्म। ऐसे ही आप सोचो, ऐसे ही आप सोचो, अगर आपने 3 लैम्डा लिया होता तो क्या होता, अब आप खुद सोचो, मैं बना देता हूं आपके सामने। मान लो आपने 3 लैम्डा लिया होता तो 3 लैम्डा में कितने हिस्से होते, 3 हिस्से होते, लैम्डा 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 लैम्डा, उन 3 में और आधे आधे होते, इस लैम्डा में फिर 2 हिस्से, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, इसमें फिर 2 हिस्से, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, इसमें फिर 2 हिस्से, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। काटा पीटी शुरू करो, इस लैम्डा बाय 2 ने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, नेट कितना आया, 0। मतलब आप जब जब शक्तिमान की कंडीशन लगाओगे यहां पे किल्विश आएगा, क्योंकि शक्तिमान की कंडीशन इन दो के बीच में लग रही है, लगाने से अंदर इन दो के बीच में किल्विश की कंडीशन हो गई। आपने सोच के लगाया था कि 1 और 100 के बीच में लैम्डा है, संपोषी मिलेगा, बट उसी वक्त ऊपर के आधे और नीचे के आधे लैम्डा बाय 2 हो गए और विनाशी मिल गया। ऐसी गड़बड़ यहां क्यों नहीं होती, क्योंकि यहां पे प्रकाश तरंगे ही 2 है, तो उन दो के बीच में लगाई हुई कंडीशन उन दो के बीच में ही रहती है। यहाँ पे बहुत सारी है तो आप इन दो पे लगाते हो, वो आधी आधी बांट लेती है और इस तरह से रिजल्ट आता है कि कटके 0 हो जाता है। तो क्यों विनाशी की कंडीशन, क्यों संपोषी की कंडीशन यहाँ पे विनाशी बन जाती है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि यहाँ पे जो विनाशी की कंडीशन है 2n-1 लैम्डा बाय 2, वो यहां पर संपोषी क्यों बन जाती है। सही है, लैम्डा से
यहां पे विनाश क्यों होता है, क्लियर हो गया, काट देते हैं। 2 लैम्डा से यहां विनाश क्यों होता है, क्लियर हो गया, काट देते हैं। 3 लैम्डा से यहां विनाश क्यों होता है, क्लियर हो गया, काट देते हैं। बट 3 लैम्डा/2 अगर हो तो फिर रोशनी कैसे होती है, अब मैं आपको वो समझाऊंगा। ध्यान से देखना, यहां तक की फोटो खींचना चाहो पहले खींच लो। चलिए देखिए, अब ये बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि विनाशी की कंडीशन लगाने पे संपोषी क्यों आ रहा है। मान लो आपने विनाशी की कंडीशन लगाई 3 लैम्डा/2, तो 3 लैम्डा/2 आपने किसके ऊपर लगाई, इस फर्स्ट के ऊपर और इस लास्ट के ऊपर, इन दोनों के बीच में कितना पथांतर आपने मान लिया 3 लैम्डा/2। 3 लैम्डा/2 के कितने हिस्से हो सकते हैं, 3 हिस्से हो सकते हैं, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, लैम्डा/2, लैम्डा/2, लैम्डा/2। आपको पता है लैम्डा/2, लैम्डा/2 कैंसिल कर देते हैं, लैम्डा/2, लैम्डा/2 कैंसिल कर देते हैं, तो 1 लैम्डा/2 ने दूसरे लैम्डा/2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मुझे इतना जवाब दो कि इन भाई साहब को कैंसिल करने वाला कौन है, इन भाई साहब को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो ये भाई साहब जाएंगे और जाकर के वहां पे चमचम करेंगे, रोशनी कर देंगे। इसी रीजन से मेरे भाइयों, जब आप विनाशी की कंडीशन लगाते हो, फॉर एग्जांपल 3 लैम्डा/2, तो उसमें 3 हिस्से हो जाते हैं, लैम्डा/2, लैम्डा/2, लैम्डा/2। 2 लैम्डा/2 तो एक दूसरे को काट देते हैं क्योंकि वो विनाशी की कंडीशन है, बट इस लैम्डा/2 को काटने वाला कोई नहीं होता, तो ये जाकर के वहां पे क्या करता है, रोशनी करता है, चमचम करता है। बिल्कुल वैसे ही मान लो आपने कंडीशन लगाई कि इन दोनों के बीच में होगा 5 लैम्डा/2। ये देखो, तो 5 लैम्डा/2 का मतलब यहां से लेकर यहां तक जितने भी प्रकाश स्रोत हैं, क्योंकि अनंत होते हैं, जितने भी हैं उनको 5 हिस्सों में बांट सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5। हर 5 हिस्से में हर किसी के बीच में पथांतर कितना होगा, लैम्डा/2, 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 और सब मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 5 लैम्डा/2। लैम्डा/2, लैम्डा/2 तो एक दूसरे को काट देते हैं ना, तो यहाँ पे इसने काटा इसको, इसने काटा इसको, इनको कौन काटेगा, तो ये भाई साहब जाके आगे चमचम करेंगे, रोशनी करेंगे। यहाँ पे कितना हिस्सा रोशनी कर रहा है, यहाँ पे 1/3 हिस्सा रोशनी कर रहा है, यहाँ पे कितना हिस्सा रोशनी कर रहा है, यहाँ पे 1/5 हिस्सा रोशनी कर रहा है, मतलब यहां से जो रोशनी होगी उससे काफी कम रोशनी होगी यहां पर। बिल्कुल वैसे ही अभी और समझो, मान लो आपने इनके बीच में आगे की कंडीशन लगाई 7 लैम्डा/2, तो 7 लैम्डा/2 अगर आपने कंडीशन लगाई है तो 7 हिस्से होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उतने से एरिया में, इसमें 7 हिस्से हो जाएंगे। हर हिस्से का पथांतर लैम्डा/2, 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 लैम्डा/2। इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसको कौन काटेगा, तो अब कौन सा हिस्सा जाकर के रोशनी करेगा, 1/7 हिस्सा। अब आ रहा है समझ में कि विनाशी की कंडीशन लगाने पर संपोषी क्यों मिलता है। अब आपको अगर बहुत सिंपल तरीके समझना है, तो जो भी पथांतर दे रखा हो उसको लैम्डा/2, लैम्डा/2 में बांट दो, फिर देखो कितने कट रहे, अगर सारे कट जाएंगे तो विनाशी, कुछ बच जाएगा तो संपोषी। जब मैंने इसको लैम्डा रखा तो 2 हिस्से हुए लैम्डा/2, लैम्डा/2, दोनों ने काट दिया, खेल खत्म। जब 2 लैम्डा रखा तो 4 हिस्से हुए लैम्डा/2, 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 ये दोनों खा गए एक दूसरे को, ये दोनों खा गए एक दूसरे को। जब मैंने 3 लैम्डा रखा तो 3 लैम्डा रखने पर कितने हिस्से हुए, 6 हिस्से हुए लैम्डा/2, 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 लैम्डा/2। ये इसको खा गया, ये इसको खा गया, ये इसको खा गया। इसलिए जब भी आप ये वाली कंडीशन लगा रहे थे उस समय लैम्डा/2 के बराबर टुकड़े हो रहे थे, सब एक दूसरे को खा जा रहे थे, और क्या निकल के आ रहा था, विनाशी। बट जब आपने लैम्डा/2 का विषम गुणज रखा, जैसे कि 3 लैम्डा/2, जैसे कि 5 लैम्डा/2, जैसे कि 7 लैम्डा/2, तो क्या हुआ दोस्तों, उस समय 3 हिस्से हो गए। तो इस लैम्डा/2 को ये लैम्डा/2 खा गया, बट ये बच गया। इस लैम्डा/2 को ये लैम्डा/2 खा गया, इसको ये खा गया, बट ये बच गया। ऐसे 7 हिस्सों में इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, बट ये बच गया। इसलिए रोशनी हो रही थी इस कंडीशन पे। एक और कहानी का ट्विस्ट, धीरे धीरे जैसे जैसे अगली कंडीशन पे जा रहे हो, रोशनी कम होती जा रही है। यहाँ पे 1/3 हिस्सा रोशनी कर रहा है, या 1/5 कर रहा है, यहाँ पे 1/7 कर रहा है। इसी रीजन से जो अगर आप ग्राफ बनाओगे तीव्रता का, तो वैसा आता है, स्टार्टिंग में तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे, आप देखना बुक में ग्राफ होगा, धीरे धीरे तीव्रता कम होती जाती है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि एक बार 1/3 हिस्सा रोशनी कर रहा है, फिर 1/5 कर रहा है, फिर 1/7 कर रहा है।
तो यहाँ पे एक्चुअल में लाइट का बेंडिंग पता है क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये सब देखने को मिल रहा था। सबसे पहले बीच में कौन से हिस्से ने रोशनी करी, 1/3 हिस्से ने रोशनी करी मान लो। उसके बाद में क्या आ गया, उसके बाद में आ गया अंधेरा, सम्राट किल्विश, उसके बाद में किल्विश जी आ गए। उसके बाद फिर से रोशनी हुई, और जब फिर से रोशनी हुई तो वो रोशनी किसने करी, वो रोशनी करी 1/5 हिस्से ने। तो 1/5 हिस्से ने जो रोशनी करी वो थोड़ी सी हल्की थी। उसके बाद फिर से क्या हुआ, उसके बाद फिर से अंधेरा कायम हो गया। उसके बाद जो अगली रोशनी हुई वो अगली रोशनी किसने करी, 1/7 हिस्से ने करी। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हो कि जब विवर्तन के प्रक्रम को देखा जाता है तो विवर्तन के अंदर ऊपर वहां पे आ रहा है ना, विवर्तन के अंदर बीच में एकदम ब्राइट रेड होता है, उसके बाद ब्लैक आता है, फिर आप देखो धीरे धीरे लाल की जो ताकत है वो कम होती जा रही। रीजन क्या है, पहली रोशनी 1/3 करता है, अगली रोशनी उससे कम 1/5 करता है, अगली रोशनी 1/7 करता है, धीरे धीरे वो रोशनी कम होती जाती है, इसलिए ग्राफ ऐसा आ रहा है। आई बात समझ में? जबकि आपके सामने नीचे, आपके सामने ऐसा करते हैं, शायद इधर आ रहा हो, इधर ले आते हैं, आपके सामने इधर जो है ऊपर आ रहा है आपके सामने विवर्तन का, इधर आ रहा है आपके पास YDSE का। YDSE में आपका जितना ब्राइट आपकी एक फ्रिंज है उतनी ब्राइट दूसरी फ्रिंज है, उतनी तीसरी, उतनी चौथी है। बट अगर आप वहां देखोगे तो धीरे धीरे जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है, मतलब जो आपका दीप्त है, वो हल्का पड़ता जा रहा है। क्योंकि आप अगर बात करो इसकी, तो इसमें रोशनी 1/3, 1/5, 1/7, इसके बाद क्या होगा 1/9 कम होती जाती है, इस तरह का ग्राफ आता है। जबकि आप अगर यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तीव्रता को देखो तो उसका ग्राफ बराबर चलता है इस तरह का, क्योंकि जितना ब्राइट फ्रिंज पहली होती है उतनी ही दूसरी होती है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई लोचा नहीं होता, वहां पे दो तरंगों के बीच में नियम लगता है, यहाँ पे तरंगों के समूह के बीच में नियम लगता है। तो समूह को, पथांतर को बांटना पड़ता है, हटा रहा हूं इमेजेस को, इस तरह से काटना पड़ता है, इस तरह से बांटना पड़ता है, इस तरह से बांटना पड़ता है, इस तरह से बांटना पड़ता है, क्योंकि ये काफी सारी तरंगों के समूह पे लग रहा है, और ये जो यहां पड़ी थी आपने YDSE में वो केवल दो तरंग के ऊपर लग रहा था। तो अगर इसको यहां लगाना है तो आपको हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि भाई आधा हिस्सा आधा हिस्सा। अब आप फर्स्ट और 51 के बीच में लॉजिक लगा सकते हो, सेकंड और 52 के बीच में लॉजिक लगा सकते हो, थर्ड और 53 के बीच में लॉजिक लगा सकते हो। जब वो लॉजिक लगाया तो काटा पीटी हो गई, और लैम्ब्डा की कंडीशन पे लैम्ब्डा बाय टू से कट गया, ऐसे यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ भी कटा बट एक बचा, यहाँ भी कटा बट पांचवा हिस्सा बचा, और यहाँ भी कटा सातवा बचा, आगे आप समझ सकते हो 1/9 बचेगा, क्योंकि इसके बाद कंडीशन आएगी 9 λ/2। ओके जी, चलो फटाफट फोटो खींच लो। ये मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, कुछ भी रटवाया नहीं है जी, समझाया है कि किस तरह से विवर्तन कार्य करता है। और अगर रटवाना होता तो ये वीडियो 15-20 मिनट पे ही ख़त्म हो जाता, जहाँ पे बस आपको एक ही बात बोलनी पड़ती कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो कंडीशन संपोषी की है वो या विनाशी की हो गई, जो या विनाशी की थी वो या संपोषी की हो गई, रट लो बात खत्म। पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने आपको कंसेप्ट से पूरा समझाया, कहीं कमी पेशी रह गई हो तो वापस से बैक जाकर के फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप सीक्वेंस में सारे वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो ये गर्व करने का समय है, और कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है आपको एक छोटी सी लाइन कि हाँ सर काफ़ी अच्छा फील हुआ, हमें समझ में आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस वो मेरे लिए काफ़ी होगा, वही मेरी गुरुदक्षिणा होगी, वो आप ज़रूर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया है तो। बाकी आप नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसमें और अच्छे से इसी बात को लिखा हुआ होगा, एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको नोट्स बताएंगे। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। आने वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश की ध्रुवण का, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।